उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों का रिजल्ट मतगणना जारी है, रिजल्ट घोषित कर दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मतगणना जारी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी की बात करें और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आपस में एक कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। 17 नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी ने 15 नगर निगम में अपनी जीत दर्ज की है। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है। नगर निगम चुनाव के मतगणना जारी है। नगर निगम चुनाव का आज मतगणने की करें तो लगातार 17 नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी 15 नगर निगम में अपनी जीत दर्ज की है। वहीं बसपा 2 सीटों पर अपनी जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य की बात करें तो शून्य है। वहीं समाजवादी पार्टी भी शून्य नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। वहीं भाजपा जो है 15 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। नगर पालिका में 95 सीटों पर रुझान आया है, जिसमें भाजपा 34 पर है, सपा 30 पर है। वहीं बसपा 9 पर है, कांग्रेस 2 पर है, अन्य 20 पर है। तो लगातार प्राइम टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं नगर निकाय चुनाव के रुझानों की लिस्ट जो है लगातार सामने आ रही है। भाजपा नगर निगम की बात करें तो भाजपा 15 पर अपनी सीट दर्ज की हुई है, जीत दर्ज की हुई है। सपा 0 है, बसपा 2 पर अपनी जीत दर्ज की हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार नगर निकाय चुनाव में भी अपनी बढ़त बनाए हुए है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। नगर पालिका की बात करें तो 95 सीटों का रुझान आ चुका है। भाजपा 34 पे है, सपा 30 पे है, बसपा 9 पे है और कांग्रेस 2 पर है। अगर नगर निगम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 15 पर है, सपा 0 है, बसपा 2 पर है और अन्य 0 पर है। कांग्रेस भी कहीं पर भारतीय जनता पार्टी से आगे नजर नहीं आ रही है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर हम लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। शाहजहांपुर में बीजेपी प्रत्याशी की बढ़त बरकरार है, तो कांग्रेस 0 पर नजर आ रही है। नगर निगम की बात करें तो यूपी नगर निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी है। मतगणना में अगर आपकी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में सबसे आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 0 पर है। वहीं बसपा अपनी 2 सीटों पर जीत दर्ज की हुई है। अगर नगर पालिका की बात करें तो 95 सीटों का रुझान आ चुका है। 199 नगर पालिका में 95 सीटों का रुझान है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 24 पर है, सपा 30 पर है, बसपा 9 पर है और कांग्रेस 2 पर है, अन्य 20 पर है। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। हम प्राइम टीवी के माध्यम से आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें 17 नगर निगम है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 15 पर अपनी जीत दर्ज की हुई है। वहीं बसपा 2 पर जीत दर्ज की हुई, समाजवादी पार्टी 0 पर है और शाहजहांपुर में बीजेपी प्रत्याशी की बढ़त बरकरार है। हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़ेंगे कानपुर से। उपेंद्र, कानपुर में क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? और बात रही कानपुर की, तो अगर भाजपा लगातार कहीं ना कहीं रुझान की बात की जाए तो कहीं समाजवादी पार्टी का भी चल रहा है, कहीं भाजपा आने पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है लग रहा है कहीं ना कहीं पूरी तरह से दोबारा जो है समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो जो अखिलेश यादव है वो भाजपा का पसंद लगाने में नाकामयाब रहे लग रहा जी। भाजपा में क्या किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कानपुर में लगातार रैलियां की गई थी, अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे हुए थे। तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ नजर आ रहा है? आपकी आवाज साफ हमें सुनाई नहीं दे रही है, फिर से दोबारा कोशिश करेंगे आपसे। तो बता दें कि
कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना हैं और लगातार निकाय चुनाव की पलपल अपडेट प्राइम टीवी के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं, जिसमें भाजपा लगातार बढ़त नजर करते हुए आ रही है। नगर निगम की बात करें तो 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीट अपने नाम की है, बसपा ने 2 सीट अपने नाम की है। वहीं नगर पालिका की बात करें तो 199 नगर पालिका में 95 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें भाजपा 34 पर है, समाजवादी पार्टी 30 पर है, बसपा 9 पर है और कांग्रेस 2 पर है, अन्य 20 पर है। तो नगर निकाय चुनाव का रुझान जिस तरीके से सामने आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। उपेंद्र एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है कानपुर में? पहले से अपेक्षा करते थे, वोटिंग जो है वो कम पड़ी है, पर कहीं ना कहीं अगर देखा है तो जो यहाँ पर भाजपा के जो उम्मीदवार महापौर उम्मीदवार करना पड़ रहे हैं वो लगातार बढ़ पढ़ाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं उसको टक्कर वगैरह बचती है तो बनना अपना जो पार्टी जो है उनको जो है आप दोनों बैठक जो है लगातार जो है जो अभी रुझान जो लगातार जो बना वहां से भाजपा के पक्ष में चला आ रहा है। देखिए, लगातार भाजपा की बढ़त नजर आ रही है, तो कानपुर में क्या कुछ माहौल अभी देखने को मिल रहा है? काफी उत्साह नजर आ रहा है कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ने महापौर वो लगातार जो है, और बात रही जो 110 वार्ड जो पार्षदों की बात की जाए तो अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो 110 वार्डों में 75 वार्ड जो है भाजपा के थे, पर अब की बार कहीं ना कहीं चूक इसलिए हो रही है जिन उम्मीदवारों की दावेदारी थी उन उम्मीदवारों को दावेदारी पार्षद नहीं दी गई थी, पर अब की बार लग रहा है कि 110 वार्डो में कानपुर के लगभग 50 से 45 जो है 50 से 60 भारतीय जनता पार्टी के जी। उपेंद्र, आप मतदान केंद्र पर हैं, क्या कुछ वहां पर माहौल नजर आ रहा है सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो? और मीडिया को जो है जो एक ना एक एक क्राइटेरिया बना दिया गया तो सीधे के अंदर मीडिया भी उसकी रहेगी, पर अब जो काउंटिंग हो रही है निष्पक्ष काउंटिंग हो रही है। जी उपेंद्र, जो रुझान सामने आ रहा है क्या वो तस्वीर साफ नजर आ रही है या कुछ अभी रुझान में बदलाव हो सकते हैं? जी, अगर बात करें तो तस्वीर इस टाइम रुझान क्या है लगातार हमको लग रहा है कानपुर में लगातार बात करेगी, और बात करें समाजवादी पार्टी की जो आज वाजपेयी जो है वो भी कहीं ना कहीं थोड़े वो जो है लग रहा है कि अब रनिंग में है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बांधती चली जा रही कानपुर में। भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? उत्साह तो बिल्कुल लगातार जो है जिस दिन से मतदान हुआ था उस दिन से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं जो है उत्साह अलग ही देखने को मिला है, पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो विजय जुलूस को लेकर के जो है निर्वाचन आयोग ने जो है वो लागू कर दिया है कि किसी भी तरीके से कोई विजय जुलूस नहीं निकलेगा, और जो भी जुलूस वलूस होंगे उसको जो अपने चुनावी कार्यालय में ही केवल मनाएंगे, बाहर किसी तरीके से कोई विजय जुलूस नहीं मनाया जाएगा। लेकिन बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो अखिलेश यादव से लेकर डिंपल यादव तक कानपुर में रैलियां किए, रोड शो किए, कहां चूक नजर आ रही है? ये बात की जाए तो समाजवादी पार्टी जो कि अगर बात करते हैं तो हम लोग बीजेपी में जो है वो बीजेपी में जो है वो चूक जो है नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जी उपेंद्र जी हाँ मुझे समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव, उसके जो राष्ट्रीय महासचिव है शिवपाल सिंह यादव और डिंपल यादव जो कन्नौज से सांसद बन जाएंगे वो लगातार रोड शो करती चली जा रही है, तो उससे उसमें बात कहनी बात की जाए तो भाई कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गढ़ में अखाड़े में जो है समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं सेंध नहीं लगा पाई है। भाजपा की बात करें तो देखिए 17 नगर सीटों में से भाजपा 15 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, वहीं बीएसपी 2 पर अपनी जीत दर्ज की है। जी हाँ बिल्कुल, आपको लगता है कि बात बीजेपी की बात रही क्योंकि बीजेपी पुराना अखाड़ा लगातार रहा है कानपुर में, और यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज जो है अटल बिहारी वाजपेयी से जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता रहे हैं नहीं रहे हैं वो भी उनका जो उनकी जो राजनीतिक करियर है वो कानपुर से माना है, पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार जो है कानपुर में हर जो चुनाव हुए हैं हर चुनाव में जो है लगातार बढ़त बांधती चली आ रही है, पर इस खुल के अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कानपुर में रेस में कोई नहीं है।
तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका में 199 सीटों पर 100 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 41 पर है, समाजवादी पार्टी 29 पर है, बसपा 9 पर है, कांग्रेस 2 पर है और अन्य 19 पर है। अगर नगर निगम सीटों की बात करें तो भाजपा का रुझान जो है आगे है, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए 15 सीटों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। वहीं बसपा का 2 सीटों पर रुझान सामने आ रहा है। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर पल पल के हम आपको अपडेट दे रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ संवाददाता हरदोई से हर्षराज जुड़ेंगे। हर्षराज, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है हरदोई में? आपको बताते हैं, यहाँ पे हरदोई जिले में 7 नगर पालिका 6 नगर पंचायत है, आज प्रत्याशियों का फैसला होना है। हम यहाँ पे शाहबाद नगर पंचायत में है। यहाँ पे देखने की बात होती है कि यहाँ पे डीएम एसपी आए हैं तो यहाँ पे तुरंत वोटिंग मतगणना चालू हुई है, लेकिन धीरे धीरे रुझान आना शुरू हो रहे हैं। सदर की अगर बात करें तो वहां पे कांटे की टक्कर है, वहां पे सपा और भाजपा की टक्कर है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा अपनी बढ़त बनाई हुई है। ये शाहबाद जहाँ पे हम यहाँ मतगणना स्थल पे मौजूद हैं, ये सबसे अहम सीट मानी जा रही है हरदोई जिले में, क्योंकि यहाँ पे भाजपा और सपा में करारी टक्कर मानी जा रही है। यहाँ पे देखने वाली बात होगी किस प्रत्याशी का भाग्य उजागर होता है और किसके पाले में खुशी और किसके पाले में मायूसी महसूस होती है, लेकिन धीरे 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 मतगणना चालू है, धीरे धीरे रुझान भी आना शुरू हो रहे हैं। जी हर्षराज, रुझानों से क्या कुछ तस्वीरें साफ नजर होती आ रही है? अगर आपको बता दें कि सदर की अगर बात करें तो वहां पे भाजपा बढ़त बनाए हुए है। अगर शाहबाद की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भाजपा और सपा में बहुत करारी टक्कर चल रही है, कहीं अगर भाजपा है तो कहीं सपा आगे चल रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे भी टाइम बढ़ रहा है, रुझान आना शुरू हो रहे हैं, वैसे वैसे तस्वीर साफ होती नजर आएगी। जी हरदोई में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, डीएम एसपी लगातार हर मतगणना स्थल पे अपना जा रहे हैं, चेकिंग अभियान चला रहे हैं, अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं, व्यवस्था चाक चौबंद की गई है प्रशासन की तरफ से। यहाँ पे अगर देखा जाए तो धीरे धीरे यहाँ पे रुझान अपने खुल रहे हैं और धीरे धीरे अपने कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की तरफ रुझान आगे आते जा रहे हैं। भाजपा और सपा की यहाँ टक्कर करारी हो रही है। जी हर्षराज, क्या लगता है रुझानों में बदलाव नजर आएगा? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कहीं भाजपा आगे है तो कहीं सपा आगे जा रही है, कहीं निर्दलीय जा रहे हैं। जैसे जैसे समय आ रहा है, मतगणना आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे धीरे धीरे तस्वीर साफ होती चली जाएंगी। कहीं भाजपा बढ़त बनाएगी तो कहीं सपा है, कहीं निर्दलीय है, तो अभी कहना कुछ मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लगातार रुझान आते भी जा रहे हैं। जी में किन किन पार्टियों के बीच टक्कर देखी जा रही है, कौन किसको? अगर बात की जाए तो सदर की अगर बात करें तो हरदोई जो सदर है वो बहुत ही अहम सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ के जो पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल हैं, उन्होंने भी अपना दांव लगा दिया था यहाँ पे भाजपा के लिए, तो यहाँ पे भी सपा के साथ उनकी करारी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन कहीं कहीं जो रुझान आ रहा है वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं। और शाहबाद सीट की अगर मानी जाए तो यहाँ पे जो राज्य मंत्री रजनी तिवारी है, उन्होंने भी अपनी पूरी दांव पेज लगा रखा है यहाँ पे, लेकिन अब जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं उसी तरीके से ये तस्वीर साफ होती चली जाएगी कि किसके पाले में किसकी सीट जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है भाजपा अपनी बढ़त बनाया है, सपा भी पीछे से आ रही है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षराज। तो नगर निकाय चुनाव की बात करें तो हमारे साथ थे हर्षराज, जो कि हरदोई से बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आपस में टक्कर है कांटे की, जिसमें समाजवादी पार्टी पीछे नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। वहीं नगर पालिका की बात करें तो 199 सीटों पर 102 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 41 सीटों से आगे है, समाजवादी पार्टी 30 पर है, बसपा 9 पर है, कांग्रेस 2 पर है। वहीं नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में भाजपा 16 पर आ गई है। आपको बताते हैं कि बड़ी खबर, नगर निगम सीट में भाजपा जो है 16 पर आ चुकी है, बसपा 1 पर है। रुझानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो हमारे साथ संवाददाता विवेक शाह जुड़ रहे हैं बीजेपी कार्यालय से लखनऊ से। उनसे क्या भारतीय जनता पार्टी की लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, कैसा उत्साह दिख रहा है विवेक? देखिए आनंद, किस प्रकार से इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुल 17 नगर निगमों में 16 नगर निगमों पे अब तक आगे चल रही है। अगर बात की जाए नगर पालिका की तो वो वहाँ भी जो है बीजेपी अपना लीड बनाए हुए है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में वर्तमान सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है, लोकल बॉडीज के चुनाव है। जिस प्रकार से ये चुनाव दोनों पेजों का चुनाव के बाद आज मतगणना जारी है, अब तक अगर जो भी रुझान आए भारतीय जनता पार्टी लीड करते हुए
देखी जा रही है, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी इसको टक्कर दे रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ ही घंटों में क्या कुछ रुझान रहता है। अब तक भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बढ़ाए हुए इस निकाय चुनाव में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है, वो काम जो है भारतीय जनता पार्टी अब करते हुए देखा भी देखे भी जा सकते हैं। कार्यालय पे है और देख रहे हैं लगातार हर जगह से यही खबर आ रही है। अगर बात की जाए गोरखपुर से, तो गोरखपुर तो मंगलेश श्रीवास्तव जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, वो लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरे राउंड के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखा जाए तो गोरखपुर की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट मानी जाती है। लगभग 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी के झोले में ये सीट है। और लगातार अगर बात करें तो ऐसे कई सीट है भारतीय जनता पार्टी के जो सेफ सीट मानी जाती है, वहां भारतीय पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी वो लगातार अपनी पकड़ मजबूत किए जा रही है। विवेक, लखनऊ से सुषमा खरकवाल आगे चल रही हैं, वहीं पर देखिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की टक्कर मानी जा रही थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लखनऊ की सीट है, हम आपको बताते हैं कि पिछले 3 दशक लखनऊ की मेयर जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही रही है। सेफ ग्राउंड माना जाता है, सेफ सीट मानी जाती है, चाहे वो गोरखपुर की बात करें या फिर लखनऊ की बात करें। और जिस तरीके से सुषमा खरकवाल का नाम आया था, तमाम नाम इसमें मार के उसके बाद घोषित किया गया, उम्मीदवार बनाया गया। उसके पास से अगर हम बात करें तो यहाँ से सुषमा खरकवाल अब तक आगे चल रही है। और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार वंदना मिश्रा है वो दूसरे नंबर पे है। और सपा और भाजपा में ही टक्कर मानी जा रही है। इस प्रकार से ऐसी कई सीटें हैं प्रदेश में जहाँ पे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है आपसी जो है जतानी में भी दिख रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कई पदों पर आगे चल रहे हैं, वही समाजवादी पार्टी भी लगातार लीड करते हुए देखी जा सकती है। थोड़ी पिछड़ी है समाजवादी पार्टी, लेकिन दरकिनार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सेफ सीट बनाए रखा है, उसके साफ है कि भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले कुछ घंटों में और भी सीटों पे लीड करते हुए देखी जा रही है। अगर बात की जाए तो विवेक, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है, तो क्या लगता है अभी तो रुझान आगे आने बाकी है, तो क्या कुछ बदलाव हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बढ़ाए हुए है, खासकर जो मजबूत सीटें हैं उस पे वो ज्यादा से ज्यादा वो बढ़त बढ़ाए हुए देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के टिकट भी काटे थे जो कई समय से वहां से जीतते आ रहे थे। ऐसे में कई कूड़ा घटित लगाए भारतीय जनता पार्टी ने, ताकि इस नगर निकाय चुनाव को अपनी गोली मिला सके, अपनी तरफ खींच सके। ऐसे में देखा ये जा रहा है कि इस प्रकार से अब तक जो रुझान आए हैं, भारतीय जनता पार्टी वाकई में लीड कर रही है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। आने वाले कुछ समय में ये स्थिति और भी मजबूत होगी या समाजवादी पार्टी बड़ा उलटफेर करेगी, ये बस चंद घंटों में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने सुबह से ही लीड बना के रखी हुई है, कहीं ना कहीं बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखा जा रहा है। नगर निगम की बात करें तो 17 नगर निगम सीटों पर 16 पर महापौर के पदों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, वहीं बीएसपी जो है एक सीट पर आगे चल रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो शून्य पर नजर आ रही है। विवेक, देखिए अगर देखा जाए तो अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो वहां भी पहले 16 नगर निगम की सीटें थी जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने 14 पर जीत हासिल की थी, और वो देखा गया था कि बसपा के उम्मीदवार जीते थे। ऐसे में एक नगर निगम साझा बना हुआ है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दाव पे लगी है। वहाँ से 3 मंत्री आते हैं, सुरेश का, राजेंद्र प्रसाद और जेपीएस, तीनों ने काफी मेहनत की है और देखना होगा कि वहां पर किस प्रकार की स्थिति बनी रहती है। अगर अभी बात की जाए तो कुल 17 नगर निगम में 16 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी अब तक आगे चल रही है, और एक सीट पे बहुजन समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी का अब तक वहां पे कोई बड़ी बढ़त देखी नहीं मिल सकती। लेकिन जिस प्रकार से पिछले चुनाव में देखा गया है कि 14 सीट भाजपा के खाते में थी, 2 सीट बसपा के खाते में थी, ऐसे में देखना जरूरी था कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार से नगर निगम की सीटों पर टच कर देती है। भारतीय जनता पार्टी देख रहे थे, राजनीतिक पंडित लगातार बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है समाजवादी पार्टी रही है। हम देख रहे हैं हमारे साथ जानना चाहेंगे की बड़ी बढ़त जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लेने जा रही है, किस प्रकार से देखते हैं।
जो हम लोगों ने सोचा था, जो हम लोग के काम थे, जो हमारे प्रदेश थे, महामंत्री संगठन के निर्देश में टांगू तक का कार्यकर्ता, पन्ना तक का कार्यकर्ता लगा था, जो मुख्यमंत्री जी के लोक कल्याणकारी योजना थी, जो उप मुख्यमंत्री अपने कार्य में लगे थे और हमारे मंत्री और तमाम पदाधिकारी, तमाम सब कार्यकर्ता लगे थे, हमको उम्मीद थी कि ऐसे ही परिणाम आएंगे और मैं फिर कह रहा हूँ कि रुझानों से भी अच्छे परिणाम होंगे। आने वाला जो 2-4 घंटा है उसमें सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी और आप देखेंगे कि सपा और बसपा बहुत पीछे रहेंगी। कहीं कहीं जैसे नगरपालिका नगर पंचायतों में भाजपा जीतेगी तो कहीं विद्रोही, कहीं निर्दलीय जीत जाएंगे, लेकिन इनकी स्थिति वो है। और मेरा मानना है इसका सबसे अच्छा कारण जो है वो लोक कल्याणकारी योजना और प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन की व्यू रचना और उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता, समाज पार्टी के नेता जो एसी में रहते हैं, समाज के नेता चुनाव के एक दो दिन पहले निकलते हैं और वो तो बेंच तो निकलते ही नहीं है, बेंच इसी में ही रहती है। हमारा कार्यकर्ता बूथ तक का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लगातार विभागों के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से, सभी नेताओं से सतत संपर्क है। समय समय पर महामंत्री संगठन का निर्देश हम लोग को वहां मिलता रहा, वो हम लोग की बैठक करके हम लोग से कुछ जानकारी फीडबैक लेके फिर अपना जो उनका अनुभव है वो बताते हैं। तो उसके कारण से मुझे लगता है कि हमने 2-3% बढ़ाने में भी हम लोग कामयाब हुए और जो परिणाम आ रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। उसके बाद 10 राउंड तक बसपा आगे चलती है हमेशा। हम लोग 40-40 पिछड़ते हैं, उसके बाद 15 राउंड तक आगे बराबर करते हैं, 15 राउंड के बाद हम जीतते हैं, तो वहां भी हम ही जीतेंगे। जब परिणाम आएगा, मैं पिछली बार की और उससे पिछली बार के दोनों मुझे याद है कि हम लोग 40-40 हजार से पीछे हो गए थे, लेकिन जो मुझे लग रहा है क्लीन स्वीप होगा। जिस तरीके से बात की जा रही है, क्लीन स्वीप की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कर रहे हैं, हमारे साथ कंगना जी हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है क्लीन स्वीप का पता जाता है? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी और माननीय प्रदेश महामंत्री माननीय श्रीमान धर्मपाल जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में जो पार्टी कार्यकर्ताओं ने काम किया है, बूथ समिति, पन्ना समिति से लेकर प्रदेश के पदाधिकारी तक सबने जी तोड़ मेहनत किया है। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल ने पूरे जो है कि रैली सभा किया है, सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक अपने क्षेत्रों में काफी परिश्रम किए, उसी का परिणाम है। ये परिश्रम के नाते परिणाम आ रहा कि कोई हवा में नहीं आ रहा। सपा बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग भाजपा विरोधी वोट पर अपने को निर्भर रखते हैं कि जो भाजपा के विरोध में है वो अपने आप हमको वोट दे देगा, चाहे हम प्रचार करने जाए न जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं मानती है, परिश्रम करती है, प्रयास करती है, प्रचार करती है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो चुनाव का रिजल्ट आएगा वह जो है जैसा आदरणीय राम प्रताप जी ने कहा कि जो रुझान है उससे ज्यादा परिणाम में जो है अच्छा आएगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि वो काफी एक्टिव मोड पे रहती है, अधिकारी मोड पे रहती है, कार्यकर्ता उसके लेकर 24/7 हमेशा खड़ा रहते हैं पार्टी के साथ, तो कहीं ना कहीं पार्टी को उसका लाभ भी मिलता रहा है। सिर्फ सीटें हैं आप जब बात की जाए लखनऊ और सूरत विभाग के लगातार आगे चल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी कड़ी टक्कर है किस प्रकार से आप देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ था नगर निकाय का वो हुआ था 2017 में 9 अक्टूबर, उस समय मौसम रिजेक्ट, लेकिन यह चुनाव जो मई में हुआ है 2023 में, इस चुनाव में वोट उसके तुलना में बहुत कम पड़ना चाहिए था, मौसम विपरीत है, धूप है, गर्मी है, उमस है, लेकिन परसेंटेज मेंटेन हुआ। प्रयागराज में जो है वोटिंग परसेंटेज 1.5% ज्यादा हुआ, इसके पीछे जो है हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय धर्मपाल जी ने वार रूम बना करके निकाय चुनाव में पहली बार वार रूम बना और वो वार रूम जो है काम किया और पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं का योगदान है और जिसके कारण से पोलिंग परसेंटेज मेंटेन रहा है और जो भी परिणाम आ रहा है यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के परिश्रम की वजह से आ रहा है, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की वजह से हवा में परिणाम नहीं आ रहा। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, करीब 10 महीने का समय बना हुआ है और ये जो अलोल मजिद का चुनाव है, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो भी चुनाव होंगे
भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। 14 हम जीते, 17 जीते, 19 जीते, 22 जीते, 17 का नगर निगम जीते और यह चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी और आने वाला लोकसभा में प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी की 100% जीते उत्तर प्रदेश के जीते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय राय और राम प्रताप सिंह हमारे साथी जो ने साफ तौर पर कहा कि वार रूम बनाया गया था, कार्यकर्ता और संगठन लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग परसेंट बढ़ाए जाए, किस प्रकार से चीजों को दुरुस्त किया जाए, तमाम तरह की बातें हमसे शेयर की और जिस तरीके से उनका कहना था कि वो 14 का भी चुनाव जीत चुके हैं, 17 का भी चुनाव जीत चुके हैं, 19 का भी चुनाव जीत चुके हैं और जिस तरीके से 22 चुनाव जीतने के बाद ये लोकल बॉडी का चुनाव फिर से आया है, ये जीतने के बाद जिस प्रकार से 24 का चुनाव आने वाला है, 24 का चुनाव नजदीक है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फतह कह रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पिछली बार 16 नगर निगमों की सीट में 14 हमको 14 सीटों पर विजय मिली थी, इस बार जो है 17 सीटों पर हम 17 सीटों जो है वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं और मैक्सिमम सीटें ऑल ओवर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जुड़ने वाली है। वहीं अगर बात करें तो राम प्रताप सिंह ने साफ बताया कि बसपा की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है क्योंकि काफी समय से बसपा जो सुप्रीमो है मायावती वो फील्ड पे नहीं दिख रही है, किसी भी जनसंपर्क में नहीं दिख रही है। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से उनकी टक्कर लगती है लेकिन सबको पछाड़ते हुए हर सीट पर जो है विजय की बात जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। विवेक देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार यही बात कहती है कि चाहे कोई भी चुनाव हो छोटा या बड़ा लेकिन उनके लिए हमेशा वो चुनाव बड़े ही होते हैं, वो हमेशा एक्शन मोड में नजर आती है और इसी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़त नजर करते हुए आ रही है। जी बिल्कुल, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सफलता के पीछे उसके संगठन का हाथ होता है, कार्यकर्ताओं का हाथ होता है, संगठन कितना एक्टिव है हर समय में, संगठन कितना अपने कार्यकर्ताओं को लेकर सजग है इस बात पर डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को एक्शन मोड में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता है, संगठन है और जहां उनके सरकार है, चाहे वो कहीं की भी बात कर ले तो वो हमेशा इस संगठन से जुड़े रहते हैं, संगठन की बातें सुनना है, जो कार्यकर्ताओं को निर्देश किया जाता है संगठन के द्वारा कार्यकर्ता उन निर्देशों का भलीभांति पालन भी करते हैं और तमाम हम चुनाव देख चुके हैं, खासकर 2014 के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक किया था, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, पूर्व मोदी की सरकार बनी थी, उसके बाद 2017 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी पूर्व बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही, फिर 2019 की बात करें, 2019 के पहले 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी और अगर बात करें तो वो 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकार जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से जीता था। उसके बाद अगर बात की जाए तो 17 के बाद के जो नगर पंचायत चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी विजय हासिल की थी, कुल 14 जो है नगर निगम सीटों पे कब्जा किया था। उसके बाद 22 के विधानसभा चुनाव में हम देख सकते हैं कि राशन और प्रशासन की मदद से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई और 34 साल बाद ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश ने किसी सरकार को दोबारा बनने दिया, बहुमत दिया और किसी सरकार को दोबारा सत्ता में आने दिया, इससे ज्यादा बढ़िया तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की और इस बार फिर जो है लोकल बॉडी का चुनाव है जहां भारतीय जनता पार्टी बेहद ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है और काफी से ज्यादा सीटों पे अब तक लीड भी कर रही है, आगे भी चल रही है। जिस प्रकार से दोनों महामंत्रियों ने हमसे बातचीत करके बताया कि वो सभी 17 नगर निगम सीटों पे क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं और एक बेहतर विकल्प जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से लोकल बॉडी के चुनाव उत्तर प्रदेश में जीतने के बाद एक बेहतर आत्मविश्वास के साथ लोकसभा के मैदान में उतरे। आपको नगर निकाय चुनाव की पल